गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करवाए थे जिसमें हमने आप लोगों को बताया था जीरो वेक्टर क्या होता है, मॉडल्स ऑफ वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। आज हमारा नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ टाइप है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो देखो बेटा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखिए, अगर आपके पास तो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर आप लोगों के पास क्या है, बी है। तो टू वेक्टर्स आर सेट टू बी एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड भी सेम है और अगर दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। तो क्लियरेंस हो गई आप लोगों को, डेफिनेशन आप देख सकते हो कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन, एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, दैट्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये क्लियरेंस हुई। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, ये आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव एक वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव वेक्टर भी मैं कहता हूँ ये कोई वेक्टर है बी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नेगेटिव इसका कौन सा है, बी वेक्टर है। जहाँ नेगेटिव भी कुछ लोग कहते हैं कि ए का नेगेटिव जो है, लेकिन भी हमारा इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव ऑफ ए ये वेक्टर होगा। तो ये कब होगा, जब आपके पास दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स का सेम है बट दे आर एक्टिंग अलोंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये आपका ए मान लो, जहाँ आप क्या मान लो बी वेक्टर मान लो, राइट कैसे करोगे लिखने का तरीका ये है, तो कहेंगे कि ए दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर बी है इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, अगर एक ही डायरेक्शन ये है दूसरी डायरेक्शन ये है, तो वो क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे एक दूसरे के। लेकिन कहने का मतलब कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब एक बात कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, तो देखो बेटा कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं। कोलिनियर वर्ड का मीनिंग क्या है, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन है अगर उन्हीं पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, बट एक कंडीशन है इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो सकता है, डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे के, और लाइन लाई एक्टेड अपॉन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स का कोलिनियर वर्ड का मीनिंग यही है कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अब नेक्स्ट है हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर, दो वेक्टर आप दोनों के आपके पास, ये दोनों कोई ना कोई ड्रॉ करते हैं। कहने का मतलब, जैसे रिजल्टेंट इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टरों का वेक्टर सम, इन दोनों वेक्टरों का वेक्टर सम जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब, अगर डायरेक्टली कहता हूं मैं ये भाई आर है, तो आर होगा क्या, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, जो जो ये दोनों मिलकर कर रहे थे, जो ये दोनों मिलकर, जो ये दोनों वेक्टर्स मिलकर एक और को अगर इंक्रीमेंट करते हैं, तो इस दोनों की इक्वालिटी में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। कहने का मतलब, जो ये दोनों मिलकर करेंगे वो एक इंडिविजुअल वेक्टर रहेगा, तो वो इंडिविजुअल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के कांसेप्ट। लेकिन आज हमारा जो मेन कांसेप्ट है वो क्या है, एक्चुअली वो हमारा मेन कांसेप्ट है, आज का जो हमारा मेन कांसेप्ट है वो है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो मैं पहले इसका डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा, डी
डॉट और स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन कौन से, वेक्टर ए ले लीजिए एंड वेक्टर बी, इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसमें हम आप लोगों को हमने क्या क्लियर की है, इसमें आप लोगों को हमने डेफिनेशन बताया है कि डेफिनेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हमें ये कहता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है सबसे पहले ध्यान रखना है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, डिनोट किससे होता है, दिस स्केलर द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डॉट बी। एंड डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो आपका ए डॉट बी होगा, जो आप लोगों का ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा और कॉस ऑफ एंगल दोनों के बीच में कोई वेक्टर, दो वेक्टर्स होंगे आप लोगों के पास, उन दोनों वेक्टर्स का जो कंसेप्ट होगा उसमें इक्वलिटी होगी इन दोनों की, ठीक है, और दोनों के दोनों वेक्टर जो होंगे, दोनों के दोनों वेक्टर जो होंगे उनके बीच में जो एंगल रहेगा दैट शुड बी ऑलवेज थीटा, ठीक है। अब थीटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर आपका ये आपका लेट इट बी ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है ए वेक्टर है और ये आप लोगों का क्या है बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा थीटा। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो ये जो पोर्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा, ये पोर्शन बी कॉस ऑफ थीटा इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, क्या करवाना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करवाना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जहां पर एंगल बनता है, जिस तरफ एंगल बनेगा उस वहां पर क्या होगा वो वेक्टर के साथ वहां पे क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा आएगा, ये हम आपको बाद में करवाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई है कि इनके बीच में एंगल ए और बी के बीच में एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो क्या है एंगल थीटा, तो ये आप हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, अगर थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए एंड बी। और आप इसके ऊपर अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखिए एग्जांपल स्क्रीन पर कौन कौन सी है, देखिए पहली एग्जांपल जो है फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, जैसे आप लोग कहते हो इसके बारे में डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स ए क्वांटिटी, गिव्स अ क्वांटिटी कॉल्ड वर्क, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, किसका फोर्स का क्वांटिटी देता है वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल करें आप कह सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट किसका वेक्टर के साथ दिया होगा वर्क में, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड वेलोसिटी वी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ गिव्स द क्वांटिटी पावर, क्या कहते हैं पावर, दैट इज कहने का मतलब जैसे फोर्स की डिस्प्ले, फोर्स और वेलोसिटी की अगर डॉट प्रोडक्ट ली जाए ना वो हमें क्या देता है पावर। तो अगर फोर्स की डॉट प्रोडक्ट की जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें वर्क डन मिलता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वर्क डन को आप ऐसे कर सकते हो एफ एस कॉस ऑफ थीटा और पावर को आप ऐसे कर सकते हो एफ बी कॉस ऑफ थीटा, कि इसमें एक्चुअली दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा थीटा रहेगा, क्या रहेगा थीटा। तो ये था कंसेप्ट आज का हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कल हम इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे। थैंक यू वेरी मच।